वो सब फेसबुक की एक पोस्ट से शुरू हुआ मैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और इसी सिलसिले में मैंने फेसबुक पर कुछ पेजेस ज्वाइन किए थे एक ऐसे ही तैयारी कर रहे ग्रुप के फेसबुक पेज पर मैंने एक सवाल पूछा और उसने इस पर कमेंट किया वह यह एग्ज़ाम दोबारा दे रहे थे इसलिए मैंने उसे ही एक पर्सनल मैसेज किया इसके बाद हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई फेसबुक पर यह बातचीत रोज़ाना होने लगी हम दोनों एग्ज़ाम के बारे में बात करते थे कुछ समय पर मैंने उससे पूछा कि क्या हम व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं वह मान गया और हम दोनों ने अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर किया शुरू शुरू में हम दोनों सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते थे ज़्यादातर हमारे बीच रात को ही बात होती थी हम दोनों तैयारी में एक दूसरे की मदद करते थे एक दिन ऐसे ही बात करते हुए रिलेशनशिप पर बात शुरू हो गई मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा व्हाट्सअप पर चैट करते हुए उसने मुझसे पूछा मैं हमेशा पढ़ाई में ही लगी रहती थी इसलिए शायद कभी किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई जब किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वह शायद यही बोलती है मैं वैसे बहुत हंसमुख थी और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ी थी यह बहुत स्ट्रेंज बात है मतलब मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी दो साल पहले लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया मैंने जवाब में बस एक स्माइली भेज दी फिर हमारे बीच किस के बारे में बात शुरू हुई मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को किस नहीं किया उसने अपने पहले रिलेशनशिप में किस एक्सपीरियंस किया था अचानक से उसने पूछा अगर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त किस कर लूँ तो कैसा लगेगा जब मैंने उसका यह मैसेज पढ़ा तो मेरा चेहरा लाल हो गया मैं उस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और कमरे की लाइट ऑफ थी मैं उसे कुछ ही दिन से जानती थी लेकिन उसका यह सवाल मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा मुझे नहीं पता हम एक दूसरे को जानते ही कितना है हम दोनों तो एक शहर में भी नहीं रहते मैंने उसे मैसेज लिख कर भेजा शायद मुझे उससे इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यह सब अच्छा लग रहा था सोचो अगर मैं तुम्हें ज़ोर से पकड़ कर अपने पास खींच लूँ और तुम्हें किस कर लो तो तुम क्या करोगी उसने पूछा क्या होगा अगर मैं तुम्हें धक्का देकर दूर हटा दूँ मुझे समझ में नहीं आया कि मैं और क्या बोलूँ वह जिस तरह से मुझसे फ्लर्ट कर रहा था मुझे अच्छा लग रहा था मुझे पता था कि इन सब बातों का कोई अंजाम नहीं होगा शायद इसलिए मैं उससे यह सब बात कर पा रही थी बिना कोई प्रेशर और डिसकम्फर्टेबल फ़ील किए मैं भी तुम्हें और ज़ोर से पकड़ लूँगा और तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा मैं अपने हॉट होड़ तुम्हारे होटों पर रख दूँगा और तुम्हें ज़ोर से किस करूँगा तुम्हें अच्छा लगेगा जिस वक्त मैंने वह पढ़ा मुझे सच में उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी मुझे शायद वह अच्छा लगेगा मैंने एक नोटी इस्माइली के साथ उसे लिख भेजा मैं उस वक्त मुस्करा रही थी उस पूरी रात हमने इस तरह बात की वह मुझसे फ्लर्ट कर रहा था कुछ भी कहता और मैं वापस उससे फ्लर्ट करती। यह सब कुछ दिनों तक चलता रहा फिर हमने स्काइपे पर बात की जब हमने स्पाइपे पर बात करनी शुरू की तो सब कुछ बदलने लगा हम दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस होने लगे और बीस दिनों के अंदर ही सब कुछ बदल गया और वो इस तरह मेरा पहला बॉयफ्रेंड बना हम दोनों का एंट्रेंस एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को दिल्ली में था हम दोनों ने फैसला किया हम दिल्ली में मिलेंगे और एक रात एक दूसरे के साथ किसी होटल में रहेंगे हम दोनों के बीच बहुत कुछ चल रहा था हम हर रात बातें करते थे लेकिन दिल्ली जाने से सिर्फ़ एक हफ़्ते पहले ही उसने कहा कि वह मुझसे नहीं मिल सकता क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी काम है और उस एग्ज़ाम देने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस पूरे हफ्ते मैं उसे मनाती रही कि किसी तरह वह अपना काम बाद में कर ले और हम मिल सकें उसने कहा कि वह दिल्ली आने से बस एक दिन पहले ही अपना पक्का प्रोग्राम बता सकता है इस बात को लेकर हमारी लड़ाई भी हुई और मुझे यकीन हो गया कि हम नहीं मिल पाएंगे मैं दिल्ली गई और अपना एग्ज़ाम दिया जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मेरे पास उसका फ़ोन आया कि वह मुझसे एक दिन बाद मिल सकता है तो हमने सत्रह की सुबह मिलने का फ़ैसला किया मुझे अभी भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बांधना चाहती थी क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि वह मिलने आएगा ही लेकिन वह आया सुबह दस बजे हम मेट्रो स्टेशन पर मिले वह हमारी पहली मुलाकात थी और मुझे लग रहा था कि ऐसे मिलना बहुत नहीं था हम दोनों के बीच का अफेक्शन उस मुलाकात में भी था हम कुछ देर बाहर यहाँ वहाँ घूमे और फिर वहाँ कुछ खाने के बाद हमने होटल ढूंढना शुरू किया एक अच्छे होटल में हमने एक रूम बुक किया उस वक्त दोपहर तो के करीब एक बजे थे हम कमरे में जाकर फ्रेश हुए और वहीं बैठ गए मेरा दिल जोर ज़ोर से धड़क रहा था फ़ोन पर बात या चैट करने तक तो ठीक था लेकिन उसके सामने बैठ कर बात करना वह फीलिंग बहुत अलग थी मैंने बहाना बनाया कि मैं थक गई हूँ और बेड पर लेट गई उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और मेरे साथ बेड पर ही लेट गया मैं बेड के एक कोने में जाकर सिमट गई और ख़ुद को ब्लैंकेट में छुपा लिया वह बेड पर आया और उसने मुझे अपने पास खींच लिया बिना एक शब्द बोले उसने मुझे किस किया मैंने भी उसे वापस किस किया और धीरे धीरे हम दोनों आगे बढ़े मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उसे बस कुछ हफ्तों से जानती हूँ हमारे बीच का वह कनेक्शन एकदम जादू की तरह था उस रात हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ मैं बहुत ही नर्वस हो रही थी क्योंकि वह सब मेरे लिए पहली बार था हमने सारा दिन बेड पर ही एक दूसरे के साथ बातें करते हुए बिताया वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई थी उस दिन हम दोनों को वापस जाना था और हमारी ट्रेन शाम की थी और हम दोनों वापस अपने अपने घर आ गए एक दिन जब हम दोनों रात को वीडियो कॉल पर बातें कर रहे थे तो मेरी मम्मा ने मुझे देख लिया था मुझे उन्होंने बहुत डांटा और मुझे डरा धमकाकर मुझसे सब कुछ पूछ लिया मैंने डर के मारे उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया उन्होंने ज़ोरदार तमाचा मेरे गाल पर मारा और मेरा पढ़ना लिखना सब बंद करा दिया अब उन्होंने मेरी शादी कराने की ठान ली थी लेकिन मैं भी जिद पर अड़ी रही कि शादी करूँगी तो उसी से वरना मैं नहीं करूँगी मेरे मम्मी पापा बहुत मुश्किलों से उस लड़के से शादी कराने के लिए मान गए शायद इसलिए क्योंकि समाज में उनकी इज्जत थी और उन्हें डर था कि अगर लड़की ने उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो उनकी समाज में इज़्ज़त कुछ भी नहीं रह जाएगी इसलिए उन्होंने मजबूरी में मेरी उस लड़के से शादी करा दी मैं बहुत खुश थी मेरी शादी तो करा दी थी पर उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे लेकिन फिर भी मैं और मेरे पति हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे